या एक नेचुरल क्लाइमेटी ठीक है या को मोकली को तो हर गवर्नमेंट चाहिंदी आ तो नेचुरल क्लाइमेटी की कें खबर को होंगी तो मीह जो इंच वसो या फुट वसो या केतरो वसो तो जी भी हालात पैदा थे वरी भी असे जवानों के सलूट था पेश क्यों जै बलूचिस्तान में वही उन्होंने गरीब मानून की मदद कई उनके सेफ पैकेज दिनों सेफ जायद खी वे उनके रहायों और गवर्नमेंट पूरी पूरी कोशिश करे भी पा प्राइम मिनिस्टर साहब भी उतरे वो उतरे वही चेक भी कर आयो समझा तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी डायरेक्शन दिन सिंध के चीफ मिनिस्टर के असं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हेल्प कहे और जी जी उनका लड प्लांट था उतो मू निता उनकी मदद कर कराची दसो कराची जो जो समुंड वो अठ फुट कराची शहर को मथे आदि अठ फुट मथे हों तो उन निकाल में तकलीफ थी बाकी कराची के हमेशा हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी साहब उतरे वेठो वो बचाई तो हमेशा कराची वालों के चवन आगे परेशान थियण की जरूरत ना है हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी उतरे वेठो इनशाला कुछ को नंढी नंढी तकलीफूँ जी मू फेस कर कुर्बानी है जी मेजर शहीद सुनील साहब दिनी पाँगी कौम के लिए मुल्क के लिए खुशूसन अस चे तो अस फ़खर आ उन मथो सिंध जो जायो लो प्रोफाइल सारी जिंदगी गुजारी उतरे गोठ अचण में खबर पे थी तो केतरो लो प्रोफाइल आ हालांकि उनको अदो जो वो भी फौज में आए उन खिदमतू आन उन वालिद साहब इतने वेठो दुख की भी गाल है पर फ़खर की गाल है असा के माके पान ये इन गाल से वो फ़खर सिंध जो जायो एडी कुर्बानी वही दे नालो सारी दुनिया में उनको वो तो मुल्क की खातिर इनकी कुर्बानी असोर्सिस हमेशा कुर्बानी दिन बॉर्डर्स से तुझो ये फोर्सिस कंट्रोल कहीं वेठा न तो फोर्सिस ये न होजन इदारा असा न होजन मुल्क में ढी तकलीफ थे मानून के अगत हली इला मसला पैदा थन तो अस उनके सलाम था पेश क्यों खुशूसन मेजर साहब शहीद के जैंपी कुर्बानी दिनी उनके सलूट तो पेश क्या तो वो वही गाल फ़खर की भी जो आगे ही फ़खर की गाल अस दिल चाहिए तो अड़ा नौजवान जी भी कौम के लिए जानू जन था उनके सलाम पेश कज उनकी मदद भी कजे तो इन गोठ में जे जे तिठो रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट जो ना उसे मिलन खपन और जी तो चीफ मिनिस्टर साहब ऑलरेडी इतना थी वो उन्हें भी जरूर का अनाउंसमेंट कई होंगी तो मैं सीएम साहब से मिलदम उनसे गड़ी वेही जी भी इतने जरूरियात होंदी अस पूरी पूरी कोशिश कहते।